बोलिए गणपति गणेश की जय। सिंह राशि वालों की अक्टूबर 2019 की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं सिंह राशि वालों के आने वाले महीने अक्टूबर में क्या अच्छा क्या बुरा होने वाला है। मित्रों, सबसे पहले हम ये जान लें कि आप सिंह राशि वाले हैं भी या नहीं। सिंह के सामने जो अक्षर आपको दिखाई दे रहा हो, जैसे कि मौ मी मू मे मो टा टी टू टे, इनमें से अगर किसी भी हिंदी अथवा इंग्लिश लेटर से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि सिंह हुई। जैसे कि मौ से मनोज, मी से मीरा, मो से मोहन। आप अगर सिंह राशि के हो तो आपका क्या नाम है कमेंट करके मुझे नीचे बताओ, मैं देखूं कि आपका राशि सिंह है या नहीं। आपका जो राशि स्वामी है वो सूर्य देवता है और आपका जीवन रत्न है मित्रों वो माणिक्य है। आइए शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि क्या 2019 के अक्टूबर महीने में आपके लिए महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। सबसे पहले तो आर्थिक स्थिति के बारे में बताता हूं। इस महीने आय में स्थिरता दिखाई देगी, लेकिन आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। आपके खर्चे बढ़ते रहेंगे, महीने के अंत में कुछ राहत मिलेगी क्योंकि आय में वृद्धि होगी। आपको कुछ बोनस या प्रोत्साहन भी मिल सकता है। व्यापार समृद्ध होगा और उत्पादन बढ़ाने के लिए उपन्यास तरीके डिजाइन किए जाएंगे। यह व्यवसायों के लिए अच्छा समय है क्योंकि त्योहारों का मौसम है। बाजार में आपके उत्पादों और सेवाओं की मांग होगी। आपकी योजनाएं अपने उद्देश्य को उत्प्रेरित और प्राप्त करेंगी। आप एक बड़े सौदे में प्रवेश कर सकते हैं जो व्यवसाय के लिए बहुत अधिक लाभ उत्पन्न करेगा। आर्थिक के बाद अब बात आती है आपके स्वास्थ्य की। आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है अक्टूबर महीने में? मित्रों, बात करूं हेल्थ की तो इस महीने आपके लग्नेश भगवान सूर्य बकरी हो जाएंगे, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। पांचवें घर में शनि आपके स्वास्थ्य घर को भी बदल रहा है। आपको अपना ध्यान रखने और संतुलित आहार अपनाने की आवश्यकता है। फास्ट फूड और तैलीय चीजों से परहेज करें, इसके बजाय घर का खाना खाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तेल मसाला का प्रयोग कम करें। आपको अपनी आंखों का भी ध्यान रखना चाहिए, जरूरत पड़ने पर किसी विशेषज्ञ से चिकित्सीय सलाह भी लेना चाहिए। फिट और स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से व्यायाम और योग और प्राणायाम भी आपको करना चाहिए। मित्रों, स्वास्थ्य के बाद अब बात आती है आपके कार्य क्षेत्र की, आपके कैरियर की। आपका कैरियर कैसा रहने वाला है अक्टूबर महीने में, आइए उस पर भी हम चर्चा करते हैं। आपके पास नौकरी के लिए एक अच्छा समय होगा, खासकर जब से आपको अपने सहयोगियों और वरिष्ठों का समर्थन प्राप्त होगा। आपकी कार्य नीति सभी के लिए दृश्यमान हो जाएगी और आपको विश्वसनीय दिखाई देगी। काम के दबाव में दबाव होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा जिसे आप संभाल नहीं सकते। व्यवसाय में लोग इस समय को अपनी व्यवसायिक गतिविधियों के विस्तार के लिए अनुकूल पाएंगे। आप अपने प्रतिस्पर्धियों से अधिक सफल हो सकते हैं। हस्ताक्षर करने से पहले आपको ये सलाह दी जाती है कि आप सभी दस्तावेज को पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लें, ध्यान से देख लें। कार्य क्षेत्र के बाद अब बात आती है आपके शिक्षा की, आपके एजुकेशन की। मित्रों, शिक्षा की अगर बात करूं तो छात्रों को ध्यान केंद्रित करने और कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। तकनीकी, इंजीनियरिंग और भाषा पाठ्यक्रम के छात्र इस समय को अनुकूल पाएंगे। छात्रों को शिक्षकों द्वारा किए गए व्याख्यान का पालन करना चाहिए और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए नोट्स भी बनाने चाहिए। जो छात्र विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि प्रवेश प्रक्रिया के सभी विकल्पों और मानदंडों का मूल्यांकन करने में थोड़ा समय लग सकता है। शिक्षा के बाद जो अब बात आती है वो बात आती है आपके पारिवारिक जीवन की, पारिवारिक स्थिति की, आपके फैमिली लाइफ की। मित्रों, बात करूं आपके पारिवारिक जीवन की तो यह सीजन जो है सो त्योहारी सीजन है। आप अपने परिवार के साथ खरीदारी करने जाएंगे और कुछ खर्चों को वहन भी करेंगे। आप घर के पुनर्निर्मित करने और उसे सजाने पर भी विचार कर सकते हैं।
इसके अलावा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य और अपने बच्चों को की देखभाल भी करेंगे। आपके घर में सौहार्दपूर्ण संबंध बना रहेगा। पारिवारिक स्थिति के बाद, पारिवारिक जीवन के बाद अब बात आती है आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की। आपका प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है मित्रों, आइए उसके बारे में आपको बताता हूँ। आपको अपने जीवन साथी के साथ विनम्रता से बात करनी चाहिए और टकराव से बचना चाहिए। आपके साथी को आपके ध्यान की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि उसका स्वास्थ्य कुछ उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। इस समय में आपके साथी को आपसे प्यार, गर्मजोशी और देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। गहरी भावनाओं को समझने की कोशिश करें और अपने साथी को सहज महसूस कराएं। संबंधों में आगे बढ़ने का आपका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अहंकार को भूल जाएं और खुल करके बातें करें। तो मित्रों यही थी आज मैंने आपको इन चीजों के बारे में बताया। सिंह राशि वालों का अक्टूबर महीना कैसा रहने वाला है, लेकिन बात अब उपाय की आती है कि इस महीने में क्या उपाय किया जाए। तो इस महीने में आपको केवल छोटा सा उपाय करना है, कुछ नहीं करना है आपको। सिंह राशि वाले अक्टूबर महीने में आपको केवल अपने पिता का सम्मान करना है। अगर आप अपने पिता का सम्मान करते हो तो जो भी निगेटिव चीजें हैं अक्टूबर महीने में आपके लिए वो पॉजिटिव में बदल जाएंगी। दूसरा उपाय आपके लिए ये है कि आप प्रयास करो कि अक्टूबर महीने में मांसाहारी भोजन ना करें, मांसाहारी भोज का सेवन ना करें, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपना नाम तो कमेंट में जरूर लिखें। चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।